वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तीन स्टेप्स हैं जी, बस तीन ही स्टेप्स हैं। अगर आपने ये तीन स्टेप फॉलो कर लिए तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल के कर डालेंगे और क्वेश्चन मेरी बुक का ही आएगा, बाहर से आने का मतलब ही नहीं है। तो आप तीन कंसेप्ट्स लिख लीजिए। स्टेप नंबर वन अभी लिख लीजिए, एक्सप्लेन एक मिनट के बाद करूंगा। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। और अगर आप अपने घर में बैठे हैं और आप नहीं लिख रहे तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि आपने पैसे खर्च कर दिए क्लास खरीदने में और ये कुछ घंटे तक क्लास रहने वाली है आपके पास, 100 आवर से ज्यादा क्लास मिलनी नहीं है। तो अभी साथ साथ लिखिए, आप खाली मत बैठिए, 6 महीने इंपॉर्टेंट है ज्यादा। स्टेप वन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, स्टेप टू प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, तीन स्टेप फॉलो करेंगे। लॉजिक है इसके पीछे, अभी पता चलेगा क्या लॉजिक है। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब के सब बंदर बंदरियां। कुछ भी कीजिए 25 फरवरी 2016 को पास हो गई है, चीटिंग करें वो जो मंजूर है कर लीजिए, लेकिन वो तो पता नहीं ना एग्जामिनर उस दिन कौन सा होगा, मेल होगा फीमेल होगा, कुछ नहीं पता आपको क्या चीटिंग करने भी देगी या नहीं। अभी मेहनत कर दीजिए, बस पसीना निकालिए। चलिए, क्या तीनों स्टेप्स लिख लिए सभी ने? अब आप सबको पता है कि क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, क्यों बनाते हैं, अभी मैंने आंसर देना है। कैसे बनाते हैं पता है, जरा बनाना शुरू करते हैं। लिखिए जी, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट नंबर 9 अभी दिखा नहीं रहा, ये कंसेप्ट 9 है। देखो इसमें कॉस्ट शीट बनानी है, पहले आप खुद बनाइए कॉस्ट शीट। लिखिए कंसेप्ट 9 क्यों बनानी है अभी देखेंगे, पहले कंसेप्ट 9 की हेडिंग लिख लीजिए। फॉर्मेट ऑफ फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट बनाना शुरू कर दीजिए। आपने कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बनाई हुई है, ऐसे नादान चेहरे दिखा रहे हैं जैसे आपने कभी कॉस्टिंग पढ़ी नहीं है। शुरू करिए, सबसे पहले क्या करते हैं आप सोचिए, दिमाग में पिक्चर बनाइए। पहले कच्चा सामान खरीदते हैं, आपके घर सब्जियां आ रही हैं। अच्छा, पहले पुरानी सब्जियां जो रेफ्रिजरेटर में पड़ी उनको खाते हो या नई नई सब्जियां खानी शुरू कर देते? अच्छा, मेट्रो में भीड़ है बड़ी, जो सबसे लास्ट में घुसता है दरवाजा बंद, सबसे पहले कौन निकलेगा? वही तो निकलेगा जो सबसे आखिरी में घुसा है, वो तो ऐसे हट कर आता है जैसे पता नहीं जान ही निकल गई। हाँ, अगर दरवाजा सामने वाला खुल जाए तो लास्ट में निकलेगा। आप फीफो मेथड फॉलो करते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मेरी बात आप समझ रहे? अगर कुछ भी ना लिखा हो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं। लिखिए, फॉर्मेट बनाइए, रॉ मटेरियल परचेजेस, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसको लिखिए फिफो, 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 मेट्रो का एग्जांपल दे दीजिए, जो सबसे आखिरी में घुसेगा वो सबसे पहले निकलेगा, उसके मजे होते हैं, आराम से निकल, हर स्टेशन में वो नीचे उतरेगा। फिफो ना, नहीं आया तो लास्ट में, लेकिन जब दरवाजा खुलेगा स्टेशन में उतरेगा कौन सबसे पहले? हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल ठीक है, लिखो। और अगर उस दरवाजा खुल गया, मैंने कहा उस दरवाजा खुलेगा उस तरफ
उधर वाला यमुना एक्सप्रेस में वो खुल गया, तो जो सबसे पहले घुसे है वो सबसे पहले निकलेगा। फीफो, हम कौन सा मैटर फॉलो करते हैं? फीफो, यमुना वाला, यमुना एक्सप्रेस वे वाला, हाय निगो। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, छोटा सा लिख दीजिए फीफो। आगे चलिए, एड लेबर, एड एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। कितनी मेहनत करके बनाई होंगी स्लाइड्स आपको पता भी नहीं है, किताब किस तरह से बनी है कंसेप्ट वाइज आपको पता भी नहीं है, इसका असर अब धीरे धीरे आना शुरू होगा। क्या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक लिख दिया सबने? अरे इसके बाद खुद निकलें, पहले सामान आया, फिर डायरेक्ट लेबर आई, फिर डायरेक्ट खर्चे हुए, प्राइम कॉस्ट हुए, फिर फैक्ट्री में डाल दिया, फैक्ट्री में आवाजें आ रही हैं, धाएं धाएं, फैक्ट्री ओवरहेड दो गए, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब बताओ अब क्या करेंगे? दोबारा फीफो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस कर दो। देवेंद्र जी आज मैं पानी नहीं लेकर आया, घर से नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा, एक ग्लास पानी दे। नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिख दो, क्लासेस बहुत की होंगी आपने, दावा इस बात का कि जिस तरह से ये प्रेजेंटेशन है अभी इस दुनिया में कोई नहीं करा रहा इस तरह से, और अगर कॉपी भी करेगा तो उसको 2 साल लग जाने, इतने कॉपी करते करते इतनी मेहनत कर डाली है, इसका असर अब हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद देखना आप। जहां पर ओपनिंग ऐड करें और क्लोजिंग लेस करें फीफो लिख दें, फीफो, तीन जगह फीफो यूज किया मैंने, बताओ कहां का यूज किया फीफो, तीन जगह इस्तेमाल किया। हाँ, सबसे पहले रॉ मटेरियल में, फिर WIP में, और फिर फिनिश गुड्स। लिख लिया जी, लिख लिया। अच्छा, जिन्होंने लिख लिया वो कॉस्ट शीट की पिक्चर बनाएंगे दिमाग के अंदर, तो जल्दी से याद होगी और फिर समझ आएगा कि क्यों बना रहे हैं, वो बताने जा रहा हूं। पिक्चर बनाइए, सामान आ गया बहुत सारा, कच्चा सामान आपके कंपनी के गेट के बाहर पड़ा, ट्रक आ गया बहुत बड़े बड़े, कच्चा सामान अब उतर रहा है नीचे, ऐसा पिक्चर बनाइए, गेट के सामने उतर रहा है, आपकी फैक्ट्री के लेबरर्स जा रहे हैं उसको लाने के लिए, डायरेक्ट लेबर लग रही है, फिर कच्चा सामान आप स्टोर्स में रख रहे हो, अभी फैक्ट्री में नहीं गया, स्टोर्स में, गोडाउन में रख रहे हो, वहां पे इन्वेंटरी मैनेजर बैठा हुआ है, वो गिनती कर रहा है कितना सामान आया कितना गया, फिर उसमें से कुछ सामान फैक्ट्री में जा रहा है, उनकी रिक्विजिशन आई, सामान भेजो, कच्चा सामान फैक्ट्री में जा रहा है। सोचिए, पिक्चर बनाइए, फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री में काम हो रहा है, महीने चल रही है, आवाजें आ रही हैं,
کچا سامان جا رہا ہے، ورکرز لائن لگا رہے کھڑے ہیں، ایک سپروائزر کھڑا ہے، بجلی چل رہی ہے، اے سی چل رہا ہے، فیکٹری کے خرچے ہو رہے ہیں. اچانک 5 بجے مشینری بند ہو جاتی ہے، ابھی کچا سامان کچھ اندر ہی ہے، بنا نہیں پورا، اگلے دن بنے گا. اوپننگ ورک ان پروگرس، کلوزنگ ورک ان پروگرس. آپ بتائیے، گنے کی جو مشین ہے، جب گنے کا سیزن آتا ہے تو صبح شام گنے کی مشینیں چل رہی ہوتی ہیں، ڈبل ڈبل شفٹ کام ہوتا ہے. آپ بھی جب پڑھائی کرتے ہو تو ڈبل شفٹ پڑھتے ہو، کئی بار پیپر کے دنوں میں ڈبل شفٹ پڑھتے ہو، آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے. آپ بتاؤ، جب زیادہ پڑھتے ہو تو چائے بھی تو زیادہ پیتے ہو ان دنوں، ہے نا؟ مان لو 2 کپ ابھی پیتے ہو نارمل، تو 3-4 کپ تب پیتے ہو، تھوڑی ورکنگ کیپیٹل زیادہ چاہیے ہوتی ہے نا اندر. کافی پی رہے ہو، چائے پی رہے ہو، بہانے بنا رہے ہو، کھانے کی چیزیں ملیں، چلو رات کو جاگتے، پھر آپ کا وہ سامان پروڈیوس ہو گیا، فنش گڈ بن گیا. سوچیے، گوڈاؤن میں جا رہا ہوں، آفس والے نوٹ کر رہے ہیں کتنے خرچے ہو بھیا، آپ سب آفیسر بیٹھو گے، آفس اوور ہیڈس. اچھا، پچھلی بار پہلے سے کتنا سامان بڑھا ہے فنش گڈ کا، اس بار کتنا بڑھا، بک کتنا گیا، اوپننگ اور کلوزنگ پلس مائنس کر دو گے. اچھا، پھر ایڈورٹائزمنٹ آئے گی، کیٹرینا کیف کو آپ نے برانڈ امبیسڈر بنا دیا ہے. ہائے رام، کیٹرینا بول رہی ہے میں اس صابن کو یوز کرتی ہوں. اب کیٹرینا کو چاہنے والے بہت ہیں، تو سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن اوور آل ہوا، ایسے تھوڑی بولیں گے کیٹرینا 5 کروڑ لے گی آپ سے، بولیں گے سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن اوور ہیڈ، پھر آپ کا سامان بکے گا، پروفٹ ہو جائے گا. پکچر کلیئر؟ آپ بتائیے، سب سے پہلے کون سی کاسٹ آتی ہے؟ پرائم کاسٹ. پھر کون سی آتی ہے؟ فیکٹری کاسٹ. پھر کون سی آتی ہے؟ ٹوٹل کاسٹ آف پروڈکشن. پھر کون سی آتی ہے؟ کاسٹ آف سیلس. یہ ابھی یاد رکھنی ہے، ابھی کیوں کر رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں. چلیے، ابھی ایک چھوٹی سی بات بس تھوڑی سی لکھ لیں، پھر میں سمجھانا شروع کر دوں گا، کیونکہ ابھی ہمیں کوشچنس کے لیے پھر بار بار یہاں آنا پڑے گا میرے کو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ پہلے لکھ لیں کنسیپٹ نمبر 10، کیونکہ پھر میں اس کو بند کر دوں گا اپنے سلائڈس کو، پھر خالی بولنا شروع کر دوں. تو کنسیپٹ 10 اور 11 تک ہی کرنے آج کے لیکچر میں. سمے لمیٹڈ ہے ہمارے پاس، ہم 2.5 گھنٹے کی تو کم سے کم کلاس کریں گے، 2.5 سے 3 گھنٹے کی ہو سکتی ہے، ایٹ لیسٹ 2.5، زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے ہمیں بیٹھنے بیٹھ رہے ہیں، سمے کم ہے. 14 تاریخ ہو گئی آج، ستمبر آدھا بیت گیا، یہ پوائنٹ بس لکھ دیجئے، ابھی سمجھ آ جائیں گے. ایک ہی جگہ لکھنے تھے، اس لیے میں نے اس کی ایک الگ سے کنسپٹ بنا دیا، کیونکہ پیپروں میں ملتی نہیں ہیں چیزیں، ایک ہی جگہ لکھے ہوں گے تو دھیان میں رہیں گے، بھائی ہاں یہ کنسپٹ دھیان رکھنے. ابھی تک آپ سب کو یہ پتا چل گیا کہ ورکنگ کیپٹل کی مینجمنٹ جس نے نہیں کی اس کو نقصان ہوا، یا ورکنگ کیپٹل کو ایسٹیمیٹ کرنا ضروری ہے، یہ تو پتا چل گیا ہوگا. ہاں بھیا، ہاں جانا تو بولو جی. یہ میں نے کچھ ڈنڈا بنوائے، یہ دیکھ لو، یہ دیکھو. ہاں، یہ پتا چل گیا کہ ورکنگ کیپٹل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. اگر کوئی ایگزامپل دے سکتا ہے کہ کسی کمپنی نے ورکنگ کیپیٹل اچھی طرح سے مینج نہیں کی اور آج اس کا لیکویڈیشن ہو گیا، یا لیکویڈیشن کے کگار میں پہنچ گئی ہے وہ کمپنی؟ بڑی ساری کمپنی ہے جو آپ سوچ سکتے ہو، کنگ فشر ایئر لائنز. اور بتائیے، ہیں جی؟ ہاں، بہت بڑھیا، بہت بڑھیا. ستیم، ستیم چوڑی، سہارا، سہارا کا نام سنے؟ چلیے، بہت بڑھیا. ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، ویڈیو میں آواز نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے، اور جیسے ہی ویڈیو ختم ہوگا میں آپ سے کچھ پوچھوں گا کہ اس میں کیا پرابلم آئی، خالی فوٹو دیکھ کر بتائیں. اچھا،
अभी कुछ बोला उसने, वेज बिल इज क्या बोला जी? नहीं, इससे पहले वाले में तो आवाज नहीं थी। हाँ जी, मैं एक बच्चे से पूछना चाहूंगा, अभी अभी एक स्लाइड में दिखाया वेज बिल कितना था, मैंने भूल भी गया कितना था। वेज देना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? अच्छा, रेवेन्यू का मतलब वर्किंग कैपिटल है। अच्छा, जिसके पास वर्किंग कैपिटल के भी पैसे ना हो, क्या वो कंपनी चल पाएगी क्या? मतलब रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे आप। सुनिए, आगे सुनिए, देख लिया। कौन सा बच्चा क्या समझ आया, कोई कुछ बताना चाहेगा कोई? वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आपने ये वीडियो देखा, मैंने मेहनत से निकाला, आपको क्या लगता है इस कंपनी में ज्यादा प्रॉब्लम किस बात की है, वर्किंग कैपिटल की है कैपिटल बजटिंग की? इसका मतलब किसी भी कंपनी ने अगर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट नहीं किया और उसके पैसे नहीं थे उसके पास, तो कंपनी लिक्विडेड हो गई, एयर होस्टेसेस ने सुसाइड कर ली। पता आपको कितनी होस्टेस एयर होस्टेस सुसाइड करके मर गई, आज उनकी आत्माएं घूम रही है, चुड़ैले बन के विजय माल्या को खा रही है। क्यों? क्योंकि विजय माल्या की गलती थी कि उसने एस्टिमेशन नहीं किया वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब एस्टिमेशन करना इंपॉर्टेंट है या नहीं? अब वो एस्टिमेट करेंगे कैसे, उसके तीन स्टेप्स बताए। पहला स्टेप है कॉस्ट शीट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे अभी बताता हूँ, पहले बताइए यहाँ तक लिख लिया क्या? आगे चलिए, डी पॉइंट लिखिए और फिर ई लिखिए। Thousands of employees who will go down with it, like this store manager's wife whose suicide note stated financial duress as the reason for her ending her life. Vijay Mallya, hi hi. Subrata Rai, hi hi. Raju, hi hi. मर गए तुम, सबको मार डाला तुमने। भले आज की क्लास में एक भी प्रैक्टिकल ना हो, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा एक हो ही जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिए आज की पूरी क्लास हमारी थ्योरी पे जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो अगली क्लासों में आपको प्रैक्टिकल ज्यादा समझ आएगा। अब इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको अभी नहीं भी करनी, फिर भी एक जगह लिख दी है ताकि बार बार ना लिखनी पड़े अलग अलग जगह। कुछ ऐसी बातें जो छठे क्वेश्चन में यूज होंगी, होगी नहीं पांच तक तो कोई बात नहीं, एक जगह लिख तो लो।
मैंने कहा जी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तीसरे लेक्चर में इस्तेमाल होंगी, लिख इसलिए रहे हैं कि एक ही जगह आ जाएंगी, नहीं लिखनी तो मैं आप पहले लेक्चर वन की जो बात है वो लिखवा दूँ। बोलो, एक जगह लिख रहे हैं कि आपको सारी बातें इकट्ठी रहेंगी। बताओ जी कॉस्ट के कितने एलिमेंट होते हैं, जल्दी बोलो। हाँ, कौन कौन से देखना, नहीं हाँ मेरी तरफ देखो, बोलो। नहीं नहीं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, हाँ नहीं नहीं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, नहीं वो तो टाइप ऑफ कॉस्ट होगी। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कौन कौन से होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। चलिए जी पॉइंट लिख लिया सबने, कॉस्ट को एलिमेंट वाइज तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लिखो, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल दो तरह के होते हैं, बोलो कौन कौन से, मुंह से बोलो। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दो तो क्या चीज आएगी, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स तीन तरह के होते हैं, फैक्ट्री में हुए तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस में हुए तो ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग में हुए तो सेलिंग ओवरहेड्स। डिपार्टमेंट वाइज है, नेचर वाइज है। चलूं, आपने कहा था कि लिख लिया जी पॉइंट लिख लिया सभी ने, एच एच। हम इन चार लेक्चरों में छह लेक्चर का काम कर डालेंगे, इतने सारे कंसेप्ट आपको मैंने समझा देने। और नॉर्मल तौर पे ये कंसेप्ट बाकी कोई बताता नहीं है, मैं 24 बता रहा हूं, बाकी 10-12 भी नहीं बताते, वो कंसेप्ट तो है ही नहीं। अभी बस लिख लीजिए
फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रेफरेंस 1, ऑफिस ओवरहेड्स प्रेफरेंस 2, सेलिंग ओवरहेड्स प्रेफरेंस 3। और जो रिकॉर्डेड में देख रहे हैं उसको ये फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर उन्होंने लिख लिया तो, जैसे मैं रुका हूँ तो आप मत रुकिए, आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, आप फॉरवर्ड चल सकते हैं। चलिए चलो, के और एल आज लास्ट पॉइंट है जी, के और एल लिखने होंगे, लिखने होंगे। एक तो लिखने की आदत बन रही है आपकी ना, लिखने की आदत ही खत्म हो चुकी है, एक स्पीड बढ़ रही है, और एक पेपर के लिए आपके कंसेप्ट्स बन रहे हैं अपनी हैंडराइटिंग में। तीन फायदे हैं, इसलिए बनाइए स्लाइड्स कि आपको भरपूर फायदा हो। अब इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आखिरी लेक्चर में इस्तेमाल होनी है, लेकिन आपने इकट्ठी लिख ली है ना तो फायदा होगा आपको। कितने कंसेप्ट लिख लिए आपने? ये कौन सा नंबर था? 10। ये 10th है, लिख लिया क्या सबने? अच्छा, ये लिख रहे थे तो मैंने तो समझाया, ये भी समझाना है, लेकिन 5-10-15% तो समझ आया होगा आपको कि क्या लिख रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, झूठ नहीं बोला, बस ठीक है। चलो वो 11 है और 12, दो कंसेप्ट और लिखने, फिर उसके बाद हमारी छुट्टी है। फिर मैं अभी अभी लिखना चाह रहे हैं, मैं कुछ और बताऊं, लिखना चाह रहे हैं? चलिए छोड़िए, नहीं लिखना छोड़ दो, अभी थोड़ी देर बाद लिखिए। अब मेरी बात सुनिए आप सभी, एक बार बुक खोलिए, चलिए आराम से खोलिए, कोई टेंशन नहीं, बुक खोलिए और आप सभी पेज नंबर 19 में आ जाइए, पेज नंबर 19 बुक का पेज नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आप कंसेप्ट नंबर 1 से 11 लिख दीजिए, गलती से प्रिंटिंग नहीं हुई उसमें, कंसेप्ट 1 से 11 ऊपर जगह है,
1 to 11 एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल हेडिंग लिख दीजिए, कंसेप्ट 1 to 11 क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर लिख दीजिए, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। हम इसमें चार क्वेश्चंस करने वाले हैं एस्टिमेशन के ऊपर। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के पास, और ऊपर रहेंगे 5 के ऊपर क्या लिखा मैंने, कंसेप्ट 14 टू 16 में हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। फिर क्वेश्चन 7th में आ जाइए और ऊपर देखिए क्या लिखा है, मैंने 22 क्वेश्चंस दिए। चलिए और आप 9th के ऊपर देखिए क्या लिखा है, कंसेप्ट नंबर 18। मतलब मैंने क्वेश्चंस को भी कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया है, तो आपको बड़ी जल्दी वो बातें समझ आनी शुरू होंगी। मान लेते हैं आपको किसी क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है किसी कंसेप्ट की, तो एक बुक और मिलने वाली है आपको। वो बुक पता कौन सी है, जिसमें बराक ओबामा की फोटो है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये 22 तो हम क्लास वर्क में करेंगे, प्लस इसके भी कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, और बाकी आप घर में करेंगे। इन सब के आंसर्स ये हुए हैं इसके अंदर। इसमें कितने क्वेश्चन, ये बुक है अभी आपके पास, निकालिए प्लीज, ये बुक है तो निकालिए, बराक ओबामा की, ये बुक बराक ओबामा की फोटो लगी हुई है, काले रंग का, काली बीवी काली बेटियां, रहता है गोरे घर में, और किन लोगों पर कंट्रोल करता है, गोरे लोगों पर, बराक ओबामा काला। देखिए इस बुक के पास अगर है तो खोलिए। इसमें देखिए पहला चैप्टर ही वर्किंग कैपिटल का मैंने दिया, जो यहां पहला है वो यहां पहला है, उसमें वही पेज आ गया दोबारा से कंसेप्ट वाला। आपने सीबीक्यू देखिए लिखा हुआ ऊपर, सीबीक्यू कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, फिर ईपीक्यू एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसमें देखिए कितने अच्छे मैंने क्वेश्चंस और दोबारा से दिए। पहला कंसेप्ट 1 से 13 में एस्टिमेशन लिखा, चेक करिए, और एक बार नीचे देखते रहिए वो क्वेश्चन मैंने कहां से लिया है, स्टडी से लिया है, आपकी गाइडलाइन से लिया है, सीए से लिया है, आईसीडब्ल्यू से लिया है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से लिया है, चेक करिए एक बार, देखिए प्लीज। और मैंने टोटल 32 क्वेश्चंस लिखे हैं जी वर्किंग कैपिटल में, तो 22 यहां पर है 32 यहां पर है, इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर जून में देना है फिर तो सारे करना चाहिए, और दिसंबर में देना है तो ये कंसेप्ट बेस्ड वाले तो सारे करने हैं जो मैं यहां क्लास में कराऊंगा, और ईपीक्यू कुछ मैं मार्क करा दूंगा वो करने। मेरी बात आप समझ रहे, अगर जून में देना है तो सारी करने, टाइम है आपके पास, और अगर दिसंबर में देने हैं ये तो सारी करने, बराक ओबामा का जो मैं मार्क कराऊंगा वो करने। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, एक बार पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 19। पहली लाइन लिखी है जी सुष्मिता सेल लिमिटेड। अच्छा ये सीएस की स्टडी में, सीएमबी की स्टडी में, दोनों की स्टडी में, आप घर जाकर चेक करें आपकी स्टडी में है ये क्वेश्चन। प्लांस टू सेल, अंडरलाइन कर दीजिए, 30,000 यूनिट्स। एक कंपनी है जो 30,000 यूनिट बेचना चाहती है, एक्सपेक्टेड यूनिट्स, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीचे दी हुई है,
रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग प्राइस, और फिर नीचे लिखा हुआ है ड्यूरेशन, अंडरलाइन कर दीजिए ड्यूरेशन, अभी बताना क्या होता है ड्यूरेशन ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। आपको पता है पांच साइकिल्स होती हैं, इसका मतलब नहीं पता लेकिन आपको पता है पांच होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स। और नीचे लिखा हुआ है अज्यूम मंथली सेल्स ऑफ 2500। जरा कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, 2500 इंटू 12 करिए कितना होता है, 1st लाइन देखिए क्या लिखी है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट कैलकुलेट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। चेक करिए कहां लिखा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस करंट एसेट्स, दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो पहले आपको यह निकालना है कि कितने पैसों की जरूरत है, कितने फंड्स की जरूरत है फॉर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। मैंने कहा जी कभी भी एस्टिमेशन करना है तो उसके तीन स्टेप फॉलो करने हैं आप। एक स्टेप है कि आपको कॉस्ट शीट बनानी है, क्यों बनानी है एक सेकेंड में बता रहा हूं। फिर दूसरा स्टेप है उसका फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट ऑफ वर्किंग कैपिटल कि भाई किस तरह से बनती है, करंट एसेट्स कैसे लिखते हैं, करंट लायबिलिटीज कैसे लिखते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा। और तीसरी चीज आपको लिखना है ऑपरेटिंग साइकिल क्या क्या है, जैसे यहां दी हुई है रॉ मटेरियल की दी हुई है, WIP की दी हुई है, फिनिश गुड्स की दी हुई है, डेटर्स की दी हुई है। तो अभी आपने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो लिख लिया, सभी ने लिखा है नहीं, अभी आप एक बार जरा ये लिख लें फॉर्मेट ऑफ वर्किंग कैपिटल तो आगे चलेंगे, नहीं तो चल ही नहीं पाएंगे हम। एक ही छोटी सी बात है, लिखिए कंसेप्ट 11, फॉलोइंग इज द फॉर्मेट फॉर एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, लिख लें आगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ए पॉइंट है जी फंड्स इन्वेस्टेड और ब्लॉक्ड इन करंट एसेट्स, तो ये रोमन वन यहां पे होना चाहिए एक्चुअली, रोमन वन है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लिखा जी
करंट एसेट्स में ये सारे करंट एसेट्स पहले लिख देंगे, फिर करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, फिर उसको अमाउंट उसमें से लेस करके नीचे नेटवर्किंग कैपिटल लिखेंगे। बड़ी मेहनत से बनाई हुई स्लाइड से, बड़ी मेहनत लगी है, बड़ी रातें काली हुई हैं। आपको तो बनी बनाई काजू की बर्फी मिल रही है, उसके ऊपर चांदी का फर्क लगा हुआ है, इसके पीछे पता नहीं कितनी मेहनत हुई होगी। नेटवर्किंग कैपिटल तक लिख लिया, चलो कंसेप्ट 12 तक लिख लिया। चलिए पर एक छोटी सी बात और लिखनी है, लिखेंगे तो लिखेंगे, मुंह भारी करेंगे मत लिखना भैया, नहीं तो अगली क्लास में लिख लेंगे। एक छोटी सी बात है, तभी वो क्वेश्चन हो पाएगा, तभी मैं समझा पाऊंगा कुछ। बोलो लिखोगे या नहीं? चलो फिर लिख लो, कंसेप्ट 12 लास्ट है आज का। आप भी क्या याद करोगे, किसी से पाला पड़ा था। कंसेप्ट 12 क्योंकि आप लाइफ में पहली बार कर रहे हो, तो मुझे बहुत सारी बातें बतानी है, फिर ही क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा रॉ मटेरियल होता कहाँ पे है ये सोचना है, WIP कहाँ होता है ये सोचना है, फिनिश गुड्स कहाँ होता है, पिक्चर बनाकर जो मैंने बनाई थी वो सोचनी है। तो ये जल्दी से समझ आएगा जो मैं बोलूँगा। अच्छा आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि रॉ मटेरियल स्टेट जो मैंने लिखा है यहाँ पर, या रॉ मटेरियल साइकिल जो भी लिखी है। अच्छा कभी आपने अपना रेफ्रिजरेटर देखा घर में जाकर? अच्छा कभी खाली है, होता है कभी, वो सफाई करें वो बात अलग है, वैसे कभी खाली रहता है या हमेशा कुछ ना कुछ सामान खाने का पड़ा रहता है उसमें? हमेशा कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, दूध रहेगा, फ्रूट्स, सब्जियाँ, कुछ भी पड़ा होता है, कभी खाली तो नहीं होता ना। आप सोचिए एक कंपनी है टायर बनाती है, क्या उसके यहां पर रॉ मटेरियल जब चाहिए होता होगा तभी खरीदते होंगे या पहले से खरीद के रख लेते होंगे?
अच्छा, आपको दूध की रिक्वायरमेंट जब होती है आप उसी समय खरीदते हो, पहले से खरीद कर रख लेते हो? पहले से खरीद लेते हो, हर रोज ही सुबह आता है, किसी के घर 2 लीटर आता है, किसी के घर 3 लीटर आता है, किसी के घर 0.5 लीटर आता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन पहले ही कर लेते हो। अगर आप पहले से ना करो तो फिर क्या होगा? जब आपको चाहिए अगर आप तब खरीदो तो आपका समय बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि उस समय मान लो मेहमान आ गए आपके घर में, लड़के वाले देख रहे हैं आगे लड़की को, हद कर दी। अब आपके घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं है और पीछे का दरवाजा भी नहीं है, घर के पीछे का दरवाजा भी नहीं है। कई बार क्या होता है आपके घर में कुछ नहीं, पीछे के दरवाजे से भेजते हो कि वहां से आ जाओ सामान। किसी भी कंपनी में रॉ मटेरियल पहले से ही उनको खरीद के रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सामान खरीदने में भी तो समय लगता है, आने में टाइम लगेगा। अब जब वो रॉ मटेरियल पहले से खरीद के रखेंगे तो उनको कुछ पैसों की जरूरत है या नहीं? अच्छा, कितने दिनों का दूध होता है आपके घर में? आपके घर में इकट्ठे 1 हफ्ते का दूध खरीद लेते हो या हर रोज खरीदते हो? लीड टाइम 1 दिन का है। बट आप सोचिए कि अपोलो टायर जो रबड़ खरीदता होगा वो केरला से आता है, केरला से, और उनकी फैक्ट्री दिल्ली में। आप बताइए, केरला से दिल्ली में आने के लिए 3 दिन लग जाते मान लो, तो उनको जो रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए वो कुछ ज्यादा लंबे समय का पहले से ही पड़ा होना चाहिए, 3 दिन से तो ज्यादा का होना चाहिए। तो एक छोटी सी बात आप पहले लिखेंगे, मीनिंग क्या है इन ऑपरेटिंग साइकिल्स का, रॉ मटेरियल स्टेज का मतलब क्या है। मान लेते हैं रॉ मटेरियल 1 महीने की है, मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल 1 महीने का लिखा हुआ साइकिल वैसे 2 महीने की भी हो सकती है। ये साइकिल आती कैसे है वो हम देखेंगे, चर्चा का मुद्दा है। रॉ मटेरियल स्टेज 1 मंथ means stock of raw material should always be equal to 1 month of consumption। मतलब आपके पास हर समय 1 महीने का material, कच्चा सामान पड़ा होना चाहिए। आप बताइए, हल्दीराम भुजिया वाले ने जो भल्ले बनाने होते हैं वो भल्ले जब ऑर्डर आता है तब खरीदने जाएगा या पहले से भल्ले का रॉ मटेरियल बना के उसने खरीद रखा होगा? सोच के बताइए जरा, मुझे लगता है पहले से खरीदा होगा उसने। अब वो कितने दिन का होना चाहिए उसको कहते हैं रॉ मटेरियल स्टेज। 1 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा साइकिल के ऊपर, वो बड़े सारे फैक्टर्स के ऊपर। WIP स्टेज, मैं कहता हूं मेरी WIP स्टेज 2 महीने है। क्या मतलब हुआ? मैंने जैसे एग्जांपल दिया था डोमिनोज पिज्जा का, तो 1 दिन में ही पैसे कन्वर्ट हो जाते। फिर लक्ष्मी सीमेंट का दिया था, तो लिखिए जी WIP स्टेज लिखिए। मैं और नहीं लिखना, खाली ये 2 स्टेजेस लिखिए और कुछ नहीं लिखना। रॉ मटेरियल स्टेज 1 मंथ लिख लिया सभी ने। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, बस 1 मिनट लगेगा, मैं छोड़ने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पढ़ा था सुष्मिता सेन का, 1 मिनट के लिए खोल लीजिए, भले आज नहीं करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए खोल तो लीजिए।
अब वहां पे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल स्टेज टू मंथ्स। चलिए टू मंथ्स का मतलब कौन सा बच्चा बताएगा? रॉ मटेरियल स्टेज टू मंथ्स लिखा है वहां पर, क्या मीनिंग समझ आया दो महीने का? नहीं, एक बच्चा बताया, जिससे मैं पूछूंगा वो बच्चा बताएगा, जिससे बताना हाथ ऊपर कर दे। कौन बताना चाह रहा है? अगर आप कोई नहीं हाथ ऊपर कर रहा, वैसे बोल रहे थे रॉ मटेरियल स्टेज आपने अभी अभी पढ़ा, टू मंथ्स है, ठीक है जी। मैं कहता हूँ इसका मीनिंग क्या समझ आया आपको? हाँ जी आप बताइए मैडम। अच्छा, जो इनके पास स्टॉक है वो टू मंथ्स का है, रॉ मटेरियल, ठीक है ठीक है। या ऐसा समझ लीजिए इस कंपनी के पास हर समय, मैं ऐसे बोलूं, हर समय रॉ मटेरियल दो महीने ऑफ एनुअल कंजम्पशन के बराबर होना चाहिए। बताइए क्यों होना चाहिए? हर समय इनके पास दो महीने का स्टॉक होना चाहिए, ऐसा क्यों? मैडम ने कहा कि रॉ मिल का स्टॉक दो महीने का है, या मैं इसको ऐसे पढ़ूं कि इनके पास हर समय दो महीने का रॉ मटेरियल स्टॉक होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इनकी क्या नहीं होगी? स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होने वाली। बताओ क्यों? क्योंकि भाई दो महीने के कम स्टॉक होगा तो स्टॉक कई बार खत्म भी हो सकता है, और अभी नया तो आएगा नहीं क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है आने में। आप ये बताइए, आपने रीऑर्डर लेवल का नाम सुना है कभी? क्या मतलब होता है रीऑर्डर लेवल का? कि कितना लेवल रह जाए कि आप दोबारा ऑर्डर करो, क्योंकि अगर आप इसके बाद करेंगे ना तो स्टॉक तो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आने में समय लगता है, खरीदने में समय लगता है, तो पहले से ही ये सब सामान होना चाहिए। क्या लगता है रॉ मटेरियल स्टेज का मतलब समझ आया? दूसरी स्टेज कौन सी लिखी है देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज, वन मंथ। बोलो जी इसका मीनिंग क्या समझ आया? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कितना टाइम लग जाता है? एक महीना। इसका मतलब एक महीने तक आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है। अगर किसी का दो महीने हो WIP स्टेज तो क्या मतलब समझ आता है? दो महीने तो क्या मतलब समझ आता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कितना टाइम लग जाता है? अच्छा ये बताओ, वर्किंग कैपिटल किसकी ज्यादा होगी, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? नीचे वाले की ज्यादा। आप बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? अच्छा ये सारी चीजें निकलेंगी कहां से? मैं कहता हूं मेरे पास एक महीने का रॉ मटेरियल स्टॉक होना चाहिए। किसका? जो मैं पूरे साल क्या करता हूं, कंज्यूम करता हूं। अच्छा मेरे पास एक महीना लग जाता है WIP का। किसका? जो मैं पूरे साल ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट करता हूं, क्योंकि WIP की रिलेशनशिप में क्या याद है? फैक्ट्री कॉस्ट का था। अब ये बताइए ये सारी फिगर्स कहां से मिलेंगी? रॉ मेटेरियल कंज्यूम की, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट की, कहां से मिलेंगी? इसलिए पहला स्टेप है, आप जब भी वर्किंग कैपिटल बनाएंगे तो आपको पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। जरा निकालिए एक बार, कॉस्ट शीट आपने बनाई थी, एक बार जरा कॉस्ट शीट देखिए, उसमें पहली चीज आपने पता क्या लिखी थी? सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, देखिए लिखा था, भूल भी गए आपको। फिर इसमें आपने डायरेक्ट लेबर ऐड की थी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए थे। बोलो हाँ या ना तो बोलो। और प्राइम कॉस्ट निकाल ली थी। तीन चीजें ऐड हुई थी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ये कैसे आया था? ओपनिंग प्लस रॉ मटेरियल परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अब समझ आ रहा है आपको? मैं कहता हूं जी 12 लाख रुपए मेरे 12 महीने में कंज्यूम हुए और मेरे को दो महीने का स्टॉक चाहिए हर समय। आप बताइए मुझे कितने पैसों की जरूरत होगी रॉ मटेरियल के लिए? मैं आपके सामने रख रहा हूं एक सवाल, 12 लाख रुपए 12 महीने में मेरे रॉ मटेरियल कंज्यूम में लग जाते हैं।
और दो महीने का स्टॉक होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 12 महीने में अगर 12 लाख है तो दो महीने में कितना, यूनिटरी मेथड कितना आ गया जी, बोलो। इसका मतलब मुझको रॉ मटेरियल खरीदने में 2 लाख रुपए हर समय चाहिए। क्या बात समझ आ रही है? बिल्कुल यही काम करना हमने नेक्स्ट क्लास में, को ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको स्टेजेस बता चुका हूं, जरा दूसरी स्टेज देखिए कौन सी लिखी है आपने, दूसरी स्टेज कौन सी लिखी है आपने, प्राइम कॉस्ट निकाल लिया था, फिर क्या ऐड किया इसमें, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फिर क्या चीज आ गई, हाँ जी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद आपने इसमें ऑफिस ओवरहेड्स ऐड किए, तो फिर क्या चीज आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आया या नहीं। इसमें सेलिंग ओवरहेड्स ऐड किए, तो फिर क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बोलो हाँ या ना, तो बोलो। तो नेक्स्ट क्लास में वैसे तो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, आज की पूरी क्लास थ्योरी की थी, लेकिन अगर आप नेक्स्ट क्लास में नहीं आते तो आज की जो मेहनत है सब खराब हो जाएगी। तो आपने घर में क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का खाली क्या बनाना है। अभी नेक्स्ट क्लास में भी मैं पहले 10 मिनट थ्योरी बोलूं, उसके बाद उस क्लास में सारा प्रैक्टिकली करेंगे, क्योंकि फिर आपको समझ आ जाएगा। तो आप सभी ने होमवर्क लिखना है, और एक होमवर्क है कि आप सभी एक थ्योरी में शॉर्ट नोट लिख कर आएंगे, राइट अ शॉर्ट नोट, लिख लीजिए ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, 10 नंबर का है जी, अपने रजिस्टर में लिखना जी, इनाम मिलेगा इसमें, इनामी सवाल है, इनाम है। ये देखिए, ये मेडल्स मिलने वाले हैं, ये मेडल्स मिलेंगे, ये मेडल्स मिलेंगे, ये लो, ये मेडल्स मिलेंगे, जिसका अच्छा होगा।